सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई आप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो, ये है नजफगढ़ नागलोई रोड और उससे वहां से ये स्टार्ट हो चाहा है पैकेज 3R1 एक्सटेंशन रोड 2 का। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये पाइलिंग करके और अब इस पर फाउंडेशन का काम किया जाएगा। देखो ये पियर पाइलिंग का काम हो चुका है, इस पर अब फाउंडेशन बनाया जाएगा। पिलर का स्ट्रक्चर यानी कि सरियाओं का जाल खड़ा किया जाएगा, उसके ऊपर जिस तरीके से ये पिलर बनाए गए हैं इसी तरीके से उधर भी पिलर बनाए जाने हैं दोस्तों, क्योंकि ये नाला है। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया किस तरीके से ये नाले के मतलब नाला बीच में आ जाएगा, दोनों साइड में ये एक्सप्रेसवे रहेगा दोस्तों, R1 एक्सटेंशन। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये पूरा आपको बता दूँ कि ये फ्लाईओवर का पार्ट ही होने वाला, जो मैंने आपको वहाँ से दिखाया बहादुरगढ़ रोड से और यहाँ तक। देखो ये एलिवेटेड का हिस्सा रहने वाला है दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और आगे ये रैंप बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, इस पर भी अभी काम किया जा रहा है, थोड़ा बहुत ही काम बचा है करने के लिए, बाकी तो ये कम्प्लीट ही सा हो चुका है दोस्तों। देख सकते हो ये रैंप है, और जैसे ये रैंप ख़त्म होता है वैसे ही दोस्तों एक्सप्रेसवे ये बिल्कुल पैकेज 3 कम्प्लीट हो चुका है बनकर। तो आज मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा, आप बने रहिए एंड तक वीडियो के साथ, मैं सब कुछ बताऊंगा क्या क्या किया जा रहा है क्या क्या नहीं किया जा रहा, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो देख सकते हो ये थोड़ा सा अंडरपास है यानी कि पानी का ड्रेनेज बनाया गया है, उसके बाद में यहाँ से ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों पैकेज 3 दोस्तों। तो चलते हैं और ड्राइव करके आपको दिखाते हैं क्या 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 अभी वर्क कंप्लीट करने के लिए बचा है, क्या क्या किया जा रहा है, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत के चैनल पर जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कॉमेंट करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं आप लोगों को दोस्तों। देख सकते हो ये साइन बोर्ड लगाने का जो काम था दोस्तों वो पूरा बिल्कुल कंप्लीट कर लिया जा चुका है। आगे चलते हैं क्या क्या किया जा रहा है वो भी आप लोगों को बताते चलेंगे। तो आप लोग देखो एंजॉय करो कि किस तरीके से ये R1 एक्सटेंशन रोड 2 का काम किया गया है, एक्सप्रेसवे को बनाया गया है दोस्तों। ये 6 लेन एक्सिस कंट्रोल्ड होने वाली हैं दोस्तों, और इसमें से जो 4 लेन है टू साइड मतलब 2 लेन मिलेंगी यानी कि सर्विस लेन है, ठीक है, और 3 लेन इस साइड में यानी कि ये 6 लेन का एक्सिड कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे होने वाला है दोस्तों। तो देख सकते हो ये जो आप लोगों को ये फ्लाईओवर के बीच में यानी कि ये डिवाइडर के ऊपर ये जो हरे हरे से आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ना क्रैश बैरियर, देखो ये वाले, इन्हें पता क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है एंटी ग्लेडर स्क्रीन सिस्टम यानी कि ग्रीन ब्लेड्स, यानी कि जो सामने से जो गाड़ियां आएंगी उनके ऊपर मतलब कि दूसरी गाड़ी पे रोशनी ना आए, इस वजह से ये लगाए जाते हैं। देखो ये लगाए भी जा रहे हैं ये वाले एंटी ग्लेयर, देखो एंटी ग्लेयर स्क्रीन सिस्टम यानी कि ग्रीन ब्लेड्स दोस्तों। और साइडों में देख सकते हो जो पैराफिट बॉल के ऊपर साइडों में बिल्कुल देखो ये क्रैश बैरियर लगाए गए हैं, देख सकते हो आप लोग दोस्तों, ये साउंड प्रूफ बैरियर्स लगाए गए हैं ताकि जो गाड़ियों की आवाज़ है तो वो नीचे ना जाए, तो इस वजह से ये साइडों में लगाए गए हैं यानी कि पैराफिट बॉल के ऊपर दोस्तों साउंड प्रूफ बैरियर। देखो आप लोग तस्वीर है, तो आप सभी इंजॉय करो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये आप लोगों को बता दूं कि ये द्वारका तक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और चौथे पैकेज का मैंने अपडेट आप लोगों को पहले ही दे दिया था 1 हफ्ते पहले, और आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाके देख लेना, क्योंकि ये सारा एलिवेटेड पार्ट है दोस्तों, क्योंकि फ्लाईओवर का पार्ट है ये, 3 किलोमीटर का फ्लाईओवर है, लंबा चौड़ा दोस्तों, तस्वीर आप लोग देख सकते हो, क्योंकि ये नजफगढ़ रोड को भी क्रॉस करता है, तो इसी वजह से यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा कर्व ले लेता है लेफ्ट में और फिर जाके ये आगे राइट में हो जाएगा दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो क्या ही
एक्सप्रेसवे बनाया है, अर्बन एक्सटेंशन 2 दोस्तों, UR2 एक्सप्रेसवे किस तरीके से बनाया गया है, कंप्लीट हो चुका है, देखो आप लोग तस्वीरें अपनी आंखों से, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है, आप लोगों के इन्फॉर्मेशन देता रहता है, ऐसे ही वीडियोस देखो दोस्तों। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। देख सकते हो सारे में ही ये एंटी ग्लेडर ग्लेयर से लगाए गए हैं, एंटी ग्लेयर स्क्रीन सिस्टम, यानी कि इन्हें क्या बोलते हैं ग्रीन ब्लेड्स दोस्तों। और साइड में देख सकते हो पैराफिट वॉल के ऊपर साउंड प्रूफ बैरियर भी लगा दिया जा चुका है, देखो आप लोग तस्वीर है, तो एंजॉय करो, आपको मिलते हैं लास्ट में।
दोस्तों आप सभी ने देखा किस तरीके से यहाँ पर ग्रीनरी ग्रीनरी आप लोगों को दिखाई देगी। देखो आप लोग तस्वीरें बिल्कुल बनके कंप्लीट हो चुका है। साइडों में ये रेलिंग भी लगाई गई है, देख सकते हो ये येलो कलर की जो चमक रही है ये सारी रेलिंग लगाई गई है दोस्तों। और यहाँ से अब हम द्वारका के अंदर एंटर हो चुके हैं दोस्तों, देखो आप लोग तस्वीरें। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और बताया जाए किस तरीके से ये UR2 को बनाया गया है। और ये आपको बता दूं कि गुरुग्राम के खिड़की दौला से स्टार्ट होता है और ये दोस्तों अलीपुर नरेला यानी कि NH44 पर जाकर ख़त्म होता है, जो कि आपको बता दूं कि अलीपुर से और ये द्वारका तक का 75 किलोमीटर का लॉन्ग, इसमें 4 पैकेज हैं दोस्तों, जो कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बिल्कुल कंप्लीट कर चुका हूं। इस पर 75 किलोमीटर लंबा अलीपुर नरेला से स्टार्ट होता है NH44 से, और दोस्तों ये द्वारका के बिजवासन में जाके ख़त्म होता है। बिजवासन जो अंडरपास है दोस्तों वहां पर जाके ये द्वारका एक्सप्रेसवे से मिल जाता है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और बताया जाए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत के चैनल पर जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो दोस्तों। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई सुझाव है तो हमें नीचे कमेंट कर बताना। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो KP संत के चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों KP संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो। मैं हर जगह के जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है वहाँ पर मैं आप लोगों को अपडेट लाता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी प्यार दिखाओ KP संत के चैनल पर जाके, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, नीचे कॉमेंट करके बता दिया करो। काफ़ी दिनों से अब कमेंट भी कम आने लगे हैं, वीडियो पर बहुत टाइम भी बहुत कम आ रहा है, तो पता नहीं आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, जाने क्या है पता नहीं है दोस्तों। तो तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ से ये द्वारका एक्सप्रेसवे हो जाता है स्टार्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।